नमस्कार, मैं क्रमवीर गांव जुआ की ग्राम पंचायत की तरफ से ज्ञान दर्पण पे सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज ज्ञान दर्पण की टीम से हमारे गांव के मंदिर का निरीक्षण किया जा रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी बताऊंगा। हमारे गांव में दो मंदिर हैं, एक महादेव मंदिर के नाम से, दोनों शिव भगवान के मंदिर, एक महादेव के नाम से है और एक शिवालय के नाम से। तो ये जो मंदिर है शिवालय है, आप इसको मैं चाहूँगा तो थोड़ा ऊपर कैमरा करके, इसकी जो गुमंज है वो बहुत भारी है। यहाँ आसपास के मेरे ख्याल से 100-150 गांव में ऐसी गुमंज नहीं होगी, बहुत भारी। जब भी हम अंदर जाके यहाँ घंटी बजाते तो उसकी गूंज बहुत ही बढ़िया आती है। इतनी भारी गुमंज है इसकी कि उसकी धुन इतनी अच्छी आती है कि जैसे हमने उसको यंत्रों से हमने उसको बनाया हो कि बहुत अच्छी ध्वनि आती है। और ये पुरातत्व विभाग ने इससे, जैसे इसको हम काफ़ी देखते आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों से भी हमने सुना है, उन्होंने कहा, दादाजी ने बताया था, हमने भी अपने परदादा से सुना था, उन्होंने भी अपने परदादा से सुना था उस टाइम से। तो इसका अभी थोड़े दिन पहले पुरातत्व विभाग से भी इसका जांच कराई थी, तो उन्होंने भी 400 वर्ष से ज़्यादा पुराना मंदिर बताया इसको, ये शिवालय मंदिर है। उसके बाद इसके साथ में उधर है, दिखाऊँगा, तो ये जो उधर है वो शनि मंदिर है। इसका निर्माण अभी गांव की कमेटी ने, मंदिर में गांव लोग और दानी सज्जनों के सहयोग से 2016 में हमने इसका निर्माण किया है शनि मंदिर का, क्योंकि यहाँ आसपास में बहुत दूर दूर तक शनि मंदिर नहीं था और भक्तजनों की एक श्रद्धा थी शनिदेव के प्रति, तो वो लोग चाहते थे कि आसपास काफ़ी दूर तक शनि का कोई मंदिर नहीं है। तो हमारे गाँव के लोगों को तो सोनीपत से पहले शनि मंदिर था ही नहीं, तो शनि मंदिर के लिए जैसे वहाँ पे जाना चाहते थे तो जो वहाँ पे जाना पड़ता था, तो उन लोगों के सहयोग से ही हमने यहाँ पे शनि मंदिर का निर्माण करवाया है। तो इसके शनि मंदिर की स्थापना यहाँ पे 2016 में हुई थी। और इस मंदिर शनि मंदिर में हमारे पास एक दो खास बातें और भी हैं। हमारे पास ये जो शनि मंदिर है तो इसमें एक नवग्रह स्थापित कर रखा उन्होंने, जहाँ पे सभी नवग्रहों के देवी देवताओं का वास है। उसके साथ एक स्तंभ है, मैं चाहूँगा वो आप उसको दिखाएं। ये जो स्तंभ है, हमारे ने 4 पवित्र धामों की मिट्टी इकट्ठा करके इस स्तंभ का निर्माण किया। इस स्तंभ में हमने 4 धामों की पवित्र मिट्टी लगाई है, जिससे कि हाँ, और इसको हमने एक यहाँ मनोकामना पूर्ति स्तंभ के नाम से हम इसको जानते हैं, मनोकामना पूर्ति स्तंभ हमने इसको नाम दिया। इसमें 4 धामों की मिट्टी है। और उसके बाद हमने 2019 में आगे माता जी का मंदिर है, तो वहाँ पे हमारी 9 देवियाँ, जैसे हम नवरात्रों में पूजा करते हैं, ब्रह्मचारिणी है, शेरावाली है, सकंद माता है, तो और उसमें हम पास वाला गांव है चिटाना, वहाँ पे देवी का मंदिर है, वहाँ से एक अखंड ज्योत लेके आया है, वो वहाँ पे अखंड ज्योत जलती रहती है, जो माता का मंदिर है उसमें अखंड ज्योत जलती रहती है। इस मंदिर का हमने 2019 में निर्माण किया था। और इस मंदिर के बाद हमारे साइड में दो हमारे काफ़ी पुराने महाराज हुए हैं, काफ़ी ज्ञान था उनको, उनकी समाधियां हैं यहाँ पे। एक रामचंद्र जी महाराज थे, उनको तो संस्कृत का बहुत ही अच्छी नॉलेज थी, वो यहाँ पे बच्चों को स्कूलों में जाके संस्कृत सिखाते भी थे। संस्कृत का इतना गहरा ज्ञान था उनको कि मैं उसका बखान कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे उस चीज़ जिस चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं है उसका बखान क्या। उनको संस्कृत की बहुत डीप नॉलेज थी, बहुत ज़्यादा डीप। कैलाशपुरी जी महाराज हैं, वो भी काफ़ी पहुँचे हुए महाराज थे। तो इन लोगों को मतलब एक हम कह सकते हैं कि मंदिरों के बारे में, देवी देवताओं के बारे में बहुत ही गहरा ज्ञान था। तो हमारे और यहाँ गेट पे हमारा आगे है थोड़ा सा, वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर भी है। तो हमारे सबसे अच्छी बात है शनि मंदिर में, जो हमने 4 धाम की मिट्टी से स्तंभ का निर्माण किया है, ये कि मनोकामना पूर्ति स्तंभ है, इस पर आप धागा बांधिए, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो हमारा ये जो 4 धाम की मिट्टी से स्तंभ है, ये हमारे मंदिर की खास विशेषता है। पूरा मंदिर का पुराना होना वो एक विशेषता है, एक ही मंदिर में आपको इतने देवी देवताओं का निवास, वो एक खास बात है। माताएं हैं, नौ जो माताएं होती हैं जिनका हम नवरात्र में
नवरात्र। जो 300 घंटे हम यहाँ मंदिर में प्रज्वलित रखते हैं, ये हमारे लगातार चलती रहती है। उसके बाद ये सकंद माता हैं, ये कात्यानी माता हैं, रात्रि माता हैं, और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हर साल एक कलश यात्रा निकाल ली जाए। वो देवियों के लिए उसमें महिलाएं सहयोग करती हैं, तो मतलब हम एक ही आपको एक ही दीवार चार दीवारी के अंदर, वैसे तो भगवान चार दीवारी में नहीं रह सकते, वो पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है, लेकिन आपको एक मंदिर में एक ही जगह पर आपको इतने देवी देवताओं का निवास शायद ही आसपास कहीं मिले। धन्यवाद।